हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई एम योर टीचर फरहा आरिफ। स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उन पार्ट्स में हमने जाना कि कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और कौन कौन सी होती है। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के थर्ड पार्ट में हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं और कुछ सेकेंडरी मेमोरीज़ के बारे में कि वो कैसी होती हैं, कैसे वर्क परफॉर्म करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ताकि हम उस डेटा को फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकें, हम जिस मेमोरी को यूज़ करते हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारे टाइप की होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। सो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अपनी सेकेंडरी मेमोरीज़ के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मेमोरी, जो है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को HDD भी बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन वोलाटाइल का मीन होता है कि ऐसी मेमोरी जिसका पावर सप्लाई कट होने पर भी उसका डेटा रिमूव नहीं होता है। तो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा हमारा सेव होता है वो परमानेंटली होता है, भले पावर सप्लाई कट हो जाए तब भी हमारा वो डेटा एज इट इज़ हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क जो हमारी होती है उसमें मल्टीपल मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, जिनको हम प्लेटर्स बोलते हैं, जो राउंड शेप के होते हैं। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे जो 3 फिगर दिख रहे हैं, उसमें जो लास्ट फिगर है उसमें आपको दिख रहा होगा एक डिस्क है जिसको प्लेटर बोलते हैं। ये एक तरह की मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि ये जो राउंड शेप की डिस्क बनी हुई है, इस डिस्क के ऊपर कई सारे सर्कल्स बने हुए हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ठीक है। ये जो हमारे सर्कल्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। तो जो हमारा प्लेटर होता है उस पर मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, और जो ट्रैक होता है आपको दिख रहा होगा कि एक ऑरेंज से एरिया को इंडिकेट करके लिखा गया है 1 सेक्टर। जो हमारा एक ट्रैक होता है, जो एक कंप्लीट सर्कल होता है ट्रैक का, वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स। कई सारे सेक्टर्स को मिलाकर हमारा एक ट्रैक बनता है, और कई सारे ट्रैक्स को मिलाकर हमारा एक प्लेटर बनता है। और हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं जो बहुत हाई स्पीड से रोटेट करते रहते हैं, और उन्हीं प्लेटर्स के ऊपर हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा स्टोर करने की हार्ड डिस्क में, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। मल्टीपल सेक्टर्स मिलकर बना होता है हमारा एक ट्रैक, और मल्टीपल ट्रैक्स मिलकर हमारा बना होता है एक प्लेटर, और मल्टीपल प्लेटर्स मिलकर एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं, और उसी के ऊपर हमारा सारा डेटा हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि आपको सेकेंड फिगर में दिख रहा होगा, ये भी हमारी एक हार्ड डिस्क है जिसको ओपन करके दिखाया गया है, कि दिख रहा होगा आपको कि इसके अंदर एक प्लेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक नहीं है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ऐसे मल्टीपल प्लेटर्स हमारे लगे हुए होते हैं। और जो फर्स्ट फिगर है उसमें हमारी कंप्लीट हार्ड डिस्क दिख रही है जो कि बंद है, उसको ओपन नहीं किया गया है। तो ये तीनों फिगर हैं स्टूडेंट, आई थिंक आपको तीनों फिगर्स से समझ में आ रहा होगा कि हमारी हार्ड डिस्क दिखती कैसे है, उसके अंदर को अगर हम से अपनी हार्ड डिस्क को ओपन करें तो उसके अंदर कैसा दिखता है हमको, और जो उसके ऊपर प्लेटर लगा होता है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी पर, जो कि है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को जनरली हम उसके शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, हम उसको CD कहते हैं। CD का जो ये फीचर है, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1980 में बाय फिलिप्स एंड सोनी कंपनी, और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में लगभग 3 ईयर लगे, और उसके बाद 1983 में फर्स्ट CD इंट्रोड्यूस हुई US मार्केट में, और धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड CD अवेलेबल होने लगी, और प्रेजेंट टाइम में हम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी CD को किसी भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं।
जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसका जो डायामीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है या 4.75 इंचेस का होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क लगभग 700 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। 700 MB के डेटा को अगर हम ऑडियो फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो लगभग वो 80 मिनट्स तक का ऑडियो होता है जो 700 MB की CD में स्टोर हो सकता है। जो हमारी CD होती है उस पर हम रीडिंग और राइटिंग दोनों एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। CD को रीड या राइट करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल ड्राइवर यूज़ होता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर्स में एक स्पेशल CD ड्राइवर लगा होता है, CD ड्राइव होती है जिसके अंदर हम अपनी CD को रखते हैं और उसके बाद हमारी CD रीड या राइट हम आराम से कर सकते हैं। जो CD ड्राइव होती है उसके अंदर जो लेज़र होती है उस लेज़र के हेल्प से ही हम किसी भी CD को रीड या राइट कर सकते हैं। किसी भी CD पर रीडिंग या राइटिंग एक्शन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र। CD हमारी बेसिकली 3 टाइप ऑफ होती हैं। फर्स्ट CD हमारी होती है CD ROM, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ROM का मतलब रीड ओनली। तो CD ROM जो होती है वो हमारी ऐसी टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। जो हमारी CD ROM होती है, जैसे कि हमारे मार्केट में हमने देखा होगा मूवीज़ की CD मिलती हैं या गेम्स की या म्यूज़िक की CDs मिलती हैं, उन CDs को हम परचेज़ करके लाते हैं और उसके बाद उसमें जो कंटेंट स्टोर है हम सिर्फ उनको रीड कर सकते हैं, सिर्फ उन कंटेंट्स को देख सकते हैं, हम उन CDs के ऊपर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो वो जो CDs होती हैं वो हमारी CD ROM होती है। फिर मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ CD पे, जो हमारी होती है CDR। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, नाम से ही पता चल रहा है रिकॉर्डेबल मतलब हम इसके ऊपर किसी भी डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी CDR होती है उस पर हम डेटा को सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार जो भी हमने उस पर रिकॉर्ड कर दिया, जो भी डेटा उस पर बर्न कर दिया, उस डेटा को हम दोबारा उससे रिमूव नहीं कर सकते। मतलब हम मार्केट से तो ब्लैंक CDR परचेज करके लाते हैं, उसमें कोई डेटा नहीं होता, लेकिन जब हम उस पर एक बार कोई डेटा स्टोर कर देते हैं फिर हम उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते। थर्ड टाइप ऑफ हमारी CD होती है CDRW। CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब होता है जिसको हम बार बार राइट कर सकते हैं। तो जो CDRW होती है वो हमारी ऐसी टाइप ऑफ CD होती है जिसमें हम जितनी बार चाहें उतनी बार कुछ भी राइट कर सकते हैं, कुछ भी बर्न कर सकते हैं और जब चाहें उसको इरेज करके उसमें न्यू डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये रीराइटेबल होती है, इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार रीराइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है ये हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क की इमेज है जो कि हमारी शाइनी होती है, राउंड शेप की होती है और काफ़ी स्लिम होती है। सो आज के वीडियो में हमने कवर किया 2 सेकेंडरी मेमोरीज के बारे को, जो फर्स्ट थी हमारी हार्ड डिस्क और सेकेंड थी कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में जानेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। Thank you for watching. Take care, students. Have a nice day, all.